गंगा नदी में तैराक दल की ड्यूटी लगाने के मामले में नई बात सामने आई है। जिन होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है उनको तैरना ही नहीं आता। यह बात औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी ब्रिजेश श्रीवास्तव द्वारा होमगार्ड जवानों से की गई बातचीत में सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में टीआई का कहना है कि जवानों को थोड़ा थोड़ा तैरना आता है। कमांडेंट होमगार्ड शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जितने भी जवान हमने भेजे हैं सभी को तैरना आता है। टीआई कौन होते हैं पूछताछ करने वाले? जानकारी के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी श्रीवास्तव शिप्रा पहुंचे, यहां होमगार्ड जवानों से बात की। सूत्रों के मुताबिक टीआई ने जवानों से नाम और बैच नंबर पूछा। यह कहा कि आपको तैराक दल में रखा है, क्या आपको तैरना आता है? इसके बाद कुछ जवानों ने कहा कि हमको तैरना नहीं आता, कुछ ने कहा कि तैरना आता है। मामले में सवाल उठे कि जिन जवानों को तैरना नहीं आता उनकी ड्यूटी कैसे लगा दी गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। टीआई ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कहा कि होमगार्ड जवानों से बात की थी, कुछ कह रहे थे कि तैरना आता है, हमारे पास तो शिप्रा लोकल के तैराकों की सूची है, हमने कमांडेंट स्तर पर बात की है। कमांडेंट होमगार्ड शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों से साफ इनकार किया। चौहान ने कहा कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, जितने भी जवान हमने भेजे थे सभी तैरना जानते हैं। टीआई कौन होते हैं पूछताछ करने वाले? यदि जवान वहां ड्यूटी कर रहा है तो वह तैरना भी जानता है। टीआई ने मुझसे कोई बात नहीं की है। शिवराज सिंह चौहान जिला कमांडेंट होमगार्ड जिला देवास का कहना है कि हमने होमगार्ड के 5 जवान शिप्रा नदी पर रेस्क्यू के लिए लगाए थे, जिनमें से एक जवान को तैरना आता था और शेष जवान सुरक्षा की दृष्टि से लगाए थे। इसके अलावा स्थानीय शिप्रा के 10 सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं को हमने ट्रेनिंग दे रखी है, वह भी समय पर तैयार रहते हैं। नाम क्या आपका? मेजर रफीक खान। मेजर रफीक खान नंबर 98। आपको तैरना आता है? जी नहीं। आपको तैराक दल के रूप में यहाँ रखा है? जी सर। शिप्रा घाट पे आपकी ड्यूटी कल से लगी है ना? जी, आपको आज 5 बजे से काय के लिए लगाई है ड्यूटी? किस कारण से? डूबे नहीं। कोई डूबे अगर तो काय के रूप में आपको रखा है, तैरने के लिए रखा है ना, तैराक दल के रूप में। तो आपको तैरना आता है? आता है? तैरना नहीं आता है? नहीं आता। अच्छा, आपका नाम क्या है? अजय बामनिया। अजय बामनिया नंबर 323। आपको तैरना आता है? तैरना नहीं आता। तो आपकी ड्यूटी तो यहाँ तैरने के लिए लगाई है ना? तैरना नहीं आता? तुमने बताया नहीं अपने मेजर को और अधिकारियों को, फिर भी लगा दी। आपका नाम? भवर सिंह चौहान। नंबर क्या है? 54। तुम्हें तैरना आता है? नहीं आता। तो तुम्हारी यहाँ घाट पे काई के लिए ड्यूटी लगाई? शिप्रा घाट पे ड्यूटी है ना आपकी, किस काम के लिए लगाई है? सर वो ड्यूटी लगे थे। क्या काय के लिए, क्या बोल के लगाई है? तुम्हें किस रूप में यहाँ भेजा है? क्यों, क्या आपको भाई को बोला? किस काम के लिए बताया था? क्या क्या बोल रहा है? क्या हो रहा, बज रहा है क्या? कुछ बंद करा दो। ओए बात करिए, रामायण चल रही है आज से चालू हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारे को तैरने के लिए यहाँ भेजा है ना, कि तैरोगे तुम, किसी को उठाओगे पकड़ोगे जो डूब रहा है नदी में, उसके लिए लगाई है भाई ड्यूटी है? तो तुम पकड़ लोगे, निकाल लोगे पानी में से उसको? सर तैरना याद नहीं है। तैरना याद नहीं है? याद नहीं है तो फिर कैसे उठाओगे? और कौन है? इधर आओ, क्या नाम तुम्हारा? अर्जुन सिंह। अर्जुन? अर्जुन सिंह। कुंवर अर्जुन सिंह नंबर 46। जी सर। क्यों, तुम्हें तैरना आता है? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत मतलब अगर कोई नदी में डूब रहा है तो उसको तुम निकाल सकते हो बाहर? तेज बहाव में तो नहीं सर, जैसे स्थिर पानी में से निकाल सकते। स्थिर पानी में से निकाल दे तो तैरना तो आता है जी। मतलब तुम हो एक थोड़े बहुत काबिल जो तुम किसी को डूबते पानी में से निकाल सकते हो। क्या नंबर है आपका बैच नंबर? 46। नए भर्ती के हो? जी सर, सिंहस्थ भर्ती। अच्छा, सिंहस्थ भर्ती के हो। और कौन है, पांचवा कौन रह गया भाई? एक और इधर आओ, इधर आओ तुम। तुम्हें तैरना आता है? पास में हो आपके। तुम्हें तैरना आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित नंबर 62। तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुमको भेजा क्यों यहाँ ड्यूटी के लिए? क्या 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 भेजा है?
काय के लिए? माता जी सर। तो माता जी विसर्जन में क्या करना है? कोई पानी में डूब रहा है तो उसको डूबते में से निकाल के लाना है। तो तुमने बताया नहीं ये बात कि मेरे को तो तैरना ही नहीं आता, मैं खुद ही डूब जाऊंगा, ये बताया था तुमने? अरे बताओ ना भाई जी। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब केवल बंद करो। मेरा ये कहना है कि उसमें हमने 5 सैनिक लगाए थे, उसमें से एक सैनिक को तैरना आता था जो बहुत अच्छा तैराक था, बाकी चार जवानों को जो हमने लगाया था वो सुरक्षा के लिए लगाया था, कोई भी घाट के नीचे नहीं उतरे, कोई भी ये नहीं करे। और इसके अलावा हमारे 10 विल डिफेंस वॉलेंटियर जो बहुत अच्छे तैराक और गोताखोर है वही सिप्रा के ही, वो हमने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बना रखे जिनको हमने आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है, सब दे रखा है, और वो हमारी ड्यूटी करा उन्होंने पूरा। सर बाकी इन चारों को तैरना नहीं आता था, एक बड़ा जैसे होमगार्ड के लोग थे ये भी अपने भर्ती में आए थे, सीएस की भर्ती में आए थे, तो एक लापरवाही वाली सामने बात आती है। लापरवाही कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी सैनिक सीएस में भी अगर भेजे गए थे तो सीएस में भी ड्यूटी के लिए सभी तैराक थोड़ी हो सकते हैं, है? वो भी ड्यूटी कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। सर आपका नाम और पता? शिवराज सिंह चौहान, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड देवास। और मेरे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर थे और साथ में एक तैराक, और पांचों आदमी के पास लाइफ जैकेटें थी, अगर वो तैरना नहीं जानते तो वो बांध के कूद सकते थे। बाकी हमारे तो सिविल डिफेंस के जो थे वो इतने परफेक्ट तैराक, और वो है आप भी जानते हैं कि वहाँ सिप्रा में कितने अच्छे तैराक है, उनको हमने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बना रखे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।